गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 20B। सो स्टूडेंट्स देखिए, हमने पढ़ा था पहले एक्सरसाइज 20 में अबाउट क्यूबॉइड एंड क्यूब। अब हम पढ़ेंगे अबाउट सिलेंडर। तो जैसे सिलेंडर, देखिए सिलेंडर हमारा शेप का होता है, तो हमने हमारी डेली लाइफ में क्या किया है, रोलर्स को घूमते हुए देखा है, जो आपके रोड रोलर्स है, हमारी गैस की जो गैस सिलेंडर होता है, ये सब के शेप के होते हैं हमारे सिलेंड्रिकल शेप के। सो देखिए, सिलेंडर, रोड रोलर, अ गैस सिलेंडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ आवर सिलेंडर शेप। सो देखिए, अब जो हमारा सिलेंडर है उसमें द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सिलेंडर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। रेडियस क्या कहलाती है, जो क्रॉस सेक्शन है सिलेंडर का उसको हम क्या बोलते हैं, इसकी रेडियस। नाउ अ सिलेंडर हैज टू सर्कुलर एंड्स। तो देखिए, ये हमारा जो सिलेंडर है इसमें टू सर्कुलर एंड्स है, ये इसके एंड है, तो यहाँ पे वन एंड यहाँ पे वन, टू सर्कुलर एंड्स है। और टू सर्कुलर एंड्स ऑन विच द सिलेंडर रेस्ट, ये सिलेंडर जहाँ पे ये रेस्ट कर रहा है ये क्या कहलाएगा, इसका बेस। एंड जो हमारे सिलेंड्रिकल के टू एंड पॉइंट्स है उनके बीच वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है वो हमारी क्या कहलाएगी, हाइट या लेंथ ऑफ द सिलेंडर। सो देखिए, द लेंथ बिटवीन दी टू एंड मीन्स टू सर्कुलर एंड इज कॉल्ड दी लेंथ और हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ आवर सिलेंडर। स्टूडेंट्स, टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर वी हैव सम फॉर्मूलाज। सो फर्स्ट फार्मूला देखिए, फार्मूला देखने से पहले हम मान रहे हैं, हमने पढ़ा है अबाउट सर्कल सिलेंडर की रेडियस के बारे में, सिलेंडर के बेस के बारे में, सिलेंडर की हाइट के बारे में। सो देखिए, अगर हम हमारी जो रेडियस है उसको डिनोट कर रहे हैं आर से, स्मॉल आर से, एंड जो हमारा बेस है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल बी से, हाइट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल एच से। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो पाई है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, फिक्स, दैट इज 22/7। तो हमारा जो पाई है वो कितना हो जाएगा, 22/7 आर स्क्वायर, यानी जो आपके रेडियस है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ हाइट। देन आपका कर्व या लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई विथ पाई, अगेन पाई की वैल्यू 22/7, दैट इज फिक्स्ड, आर रेडियस मल्टीप्लाई विथ हाइट, तो 2 पाई आर एच। तो 2 मल्टीप्लाई विथ पाई मल्टीप्लाई विथ रेडियस एंड मल्टीप्लाई विथ हाइट, ये हमारा है लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो देखिए टोटल सरफेस एरिया के लिए हमने क्या किया है, जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच, उसको हमने प्लस किया है 2 पाई आर स्क्वायर से। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, आपका जो 2 पाई आर है वो क्या है, यहाँ पे कॉमन। सो अगर हम 2 पाई आर को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, आपका हाइट प्लस आर स्क्वायर में से आर कॉमन है तो क्या बचेगा, ओनली आर। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, वेयर 2 द कॉन्स्टेंट वैल्यू, पाई जो है उसकी वैल्यू होगी 22/7, आर हमारी रेडियस है, एंड हाइट प्लस रेडियस, ये हमारे पास फॉर्मूलाज है टू फाइंड आउट दी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। तो देखिए, यहाँ पे हमें गिवन है हाइट, जो आपकी रेडियस है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर, एंड जो हमारी हाइट है वो है 50 सेंटीमीटर। सो देखिए, हमने अभी पढ़ा है फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सो देखिए, पाई की वैल्यू हमने डिस्कस की थी, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर स्क्वायर मीन्स जो आपका रेडियस है उसको 2 टाइम हमें मल्टीप्लाई करना है, तो रेडियस कितना है, 7, 7 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, एंड मल्टीप्लाई विथ हाइट, तो हाइट कितनी है आपकी, 50। अब देखिए, 7 की टेबल से 7 कट, तो हमारे पास क्या बचा है, 22 × 7 × 50, 7 × 5 = 35, तो 35 का 35, एंड ये जो 0 है यहाँ पे हम लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारा 350 है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 22 से, तो इस 0 को हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 35 से। सो देखिए, 22 × 35, 5 × 2 = 10 का 0 कैरी 1, 5 × 2 = 10, 10 + 1 = 11,
थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री टू ज़ा सिक्स, देखिए ज़ीरो, सिक्स प्लस वन सेवन, सिक्स प्लस वन सेवन, तो 770, ये आ गया हमारा 770 और यहाँ पे ज़ीरो, तो 7700। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास यूनिट है सेंटीमीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब। सो हमारा जो वॉल्यूम आ गया वो है 7700 सेंटीमीटर क्यूब। ना अब हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया, तो देखिए लेटरल या कर्व सरफेस एरिया, लेटरल और कर्व सरफेस एरिया, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, 2πRh। सो देखिए 2 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, मल्टीप्लाई विथ रेट को आपको वन टाइम मल्टीप्लाई करना है, रेडियस को वन टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो रेडियस क्या है आपके पास 7, मल्टीप्लाई विथ हाइट क्या है हमारे पास 50। सो देखिए 7 की टेबल से 7 कट, 2 5s 10 एंड 0, तो 2 × 50 क्या हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई विथ 22, 1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 22 एंड 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों है ना इसकी यूनिट, क्योंकि ये क्या है एरिया, एरिया की हमारे यूनिट क्या होती है स्क्वायर यूनिट्स। नाउ अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास 2πRh, ये हमारे पास फॉर्मूला। सो देखिए 2 मल्टीप्लाई विथ पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, मल्टीप्लाई विथ रेडियस कितनी है आपकी 7 प्लस 50, हाइट हमारी 50, रेडियस है 7। अब देखिए 7 की टेबल से 7 कट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 22 57, सो 57, तो यहाँ पे आ गया 2 × 22 44 मल्टीप्लाई विथ 57, सो मल्टीप्लाई करते हैं हम 57 मल्टीप्लाई विथ 44, 4 7 28 का 8 कैरी 2, 4 5 20 20 + 2 22 मल्टीप्लाई विथ, अगेन 4 से ही मल्टीप्लाई करना है तो सेम डिजिट आएगी, सो 228, 8 + 2 का 10 का 0 कैरी 1, 2 + 2 4, 4 + 1 5 एंड 2, सो 2508, सो देखिए 2508 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको गिवन है अ वुडन सिलेंड्रिकल पोल इज 7 मीटर हाई, तो आपको हाइट कितनी गिवन है सिलेंडर की, हाइट हमारे पास 7 मीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारी जो हाइट और रेडियस है उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए सेम, तो हम जो हमारी रेडियस है उसको चेंज करेंगे मीटर में। सो देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं आपके पास 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे 1/100 मीटर, सो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे 10/100, सो देखिए 0 से 0 कट, कितना बचा है 0 1, तो 1 0 यानी 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर से ये किस में चेंज हो जाएगा मीटर में, तो हाइट जो हमारी उसको हमने चेंज कर दी, रेडियस को हमने चेंज कर दिया मीटर में। अब देखिए अभी क्या पूछ रहा है, फाइंड इट्स वेट ऑफ द वुडन वेट 225 kg पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर इसका वेट कितना है 225, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पोल। सो देखिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पोल क्या होगा हमारे पास, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है आपका 0.1, सो 0.1 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम, क्योंकि यहाँ पे है आर स्क्वायर। हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट है हमारे पास 7 मीटर, सो देखिए 7 से 7 कट, 0.1 हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, जैसे डेसिमल रिमूव हुआ तो 1 एंड आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स 1 है तो 10, यहाँ पे भी हमने पॉइंट हटाया तो 1 एंड आफ्टर डेसिमल कितनी है नंबर ऑफ डिजिट्स ओनली 1 तो 10। अब देखिए 22 × 1, 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 22
22 into 1, 22. So 22. नीचे आपका 10 into 10, 100. So देखिए दो जीरो है तो दो डिजिट के बाद में पॉइंट. So 0.22 मीटर क्यूब. ये क्या आ गया है आपका वॉल्यूम. नाउ अब हमें गिवन है वुडन वेट पर क्यूबिक मीटर. सो वुडन वेट पर क्यूबिक मीटर इक्वल्स टू आपको गिवन है 225 केजी पर क्यूबिक मीटर. तो 225 केजी. नाउ अब हमें फाइंड आउट करना वेट ऑफ द वुडन. सो वेट ऑफ द वुडन इज इक्वल्स टू जो आपकी वॉल्यूम है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 225 से. तो 0.22 मल्टीप्लाई विथ 225. देखिए पॉइंट देते हैं यहाँ पे क्या आएगा 1. जैसे डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स 2 तो यहाँ पे 20. अब देखिए हम इसको कट करते हैं अगर 5 की टेबल से तो 5 2 10 एंड 0. 5 4 20. 22 minus 20 2 5 25. तो 4 5 25 5 4 20 5 9 45. ओके आ देखिए 2 की टेबल से 2 2 4 एंड 2 1 1 2 1 1. तो कितना आया आपके पास 11 into 9 divided by 2. सो 99/2 11 into 9 99/2. अब देखिए जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे 99 divided by 2 2 4 8 9 minus 8 1 एंड 9. 2 9 18. यहाँ पे बचा है सिंगल वन. अब यहाँ पे अगर सिंगल वन बचा तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे डेसिमल. यहाँ पे क्या उतरेगा 0. 2 5 10. तो 49.5 kg. सो देखिए इसका वेट कितना आ गया 49.5 kg. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फाइंड आउट करनी है दी हाइट ऑफ दी सिलेंडर इफ वॉल्यूम इज वॉल्यूम क्या है आपके पास 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर. सो सबसे पहले देखिए हमें क्या गिवन है डायमीटर. डायमीटर क्या होता है आपका 2 इंटू रेडियस. तो अगर हमें यहाँ से रेडियस फाइंड आउट करनी है रेडियस क्यों फाइंड आउट करनी है जो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर है जिसमें हमें चाहिए रेडियस. सो देखिए यहाँ से हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं. तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. सो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 डायमीटर कितना है आपके पास 140 डिवाइडेड बाय 2. 2 की टेबल से 2 7 14 0 तो कितना है ये 70 सेंटीमीटर. लेकिन देखिए आपका जो वॉल्यूम है वो किसमें है मीटर में. तो हम इसको भी किसमें चेंज करेंगे मीटर में क्योंकि हमारे पास जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए. तो देखिए हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर. 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 1/100. तो 70 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे डिवाइडेड बाय 100. 0 से 0 कट ओनली 1 0 नीचे बचा है तो 1 डिजिट के बाद में आपका आ जाएगा पॉइंट. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.7 मीटर. ये आ गई है हमारी रेडियस. अब देखिए हमारे पास क्या गिवन है वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच. अब अगर हमें सिर्फ हाइट यहाँ पे फाइंड आउट करनी है तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको हाइट को एक साइड रखना है पाई आर स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई है इक्वल टू के इधर आएंगे तो डिवाइड. सो वॉल्यूम अपॉन पाई आर स्क्वायर. वॉल्यूम कितना गिवन है आपको वॉल्यूम है हमारे पास 1.54 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर. आर क्या है आपके पास 0.7 तो इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 टाइम क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आर का स्क्वायर यानी 2 टाइम आपकी रेडियस मल्टीप्लाई होगी. अब देखिए ये जो हमारा 7 है ये डिनोमिनेटर में है डिनोमिनेटर की भी डिनोमिनेटर में सो इसको हम यहाँ ले जाएंगे अबाउट. सो देखिए 1.54 × 7 डिवाइडेड बाई 22 × 0.7 × 0.7. सबसे पहले हम रिमूव करेंगे डेसिमल. तो देखिए यहाँ से जैसे हमने डेसिमल रिमूव किया यहाँ पे क्या लग जाएगा 1. डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स 2 तो यहाँ पे कितने जीरो लगेंगे 2.
अब यहाँ पे देखिए 0.7 का भी पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो ऊपर क्या लगेगा 1, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स 1, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका 10। अगेन यहाँ से 0.7 से भी हम पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर क्या लगेगा 1, आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स 1, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 10। 10 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। अब देखिए 7 की टेबल से 7 1 7, तो ये दोनों वन टाइम कट हो गए। 7 की टेबल से 7 1 7, 7 2 14, 15 minus 40, 1 1 4 40, तो कितनी बार 7 2 14, 22 से 22 का क्या हो गया आपका कट, 21 1 21, तो अब आपकी हाइट क्या बची है 1 into 1 into 1, तो यानी 1 meter, तो जो हमारी हाइट है वो कितनी आ गई है 1 meter, सो हाइट इज इक्वल्स टू 1 meter। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, आपको गिवन है द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल सर्कुलर आयरन रॉड ऑफ लेंथ 1 meter, तो लेंथ का मतलब क्या होता है आपका पास हाइट, सो यहाँ पे हमारी हाइट गिवन है हमें 1 meter। ओके, एंड नाउ इट्स वॉल्यूम इज गिवन, तो वॉल्यूम क्या है सिलेंडर की 3850 meter cube। अब देखिए जो हमारा हाइट है वो कितने किसमें मीटर में, और ये जो हमारा वॉल्यूम है वो किसमें सेंटीमीटर क्यूब में, तो देखिए सेंटीमीटर क्यूब में, तो हमारे पास यूनिट जो है वो दोनों की क्या है चेंज है, तो हम यूनिट सेम रखेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं हाइट की यूनिट को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। सो देखिए 1 meter में आपके पास कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 1 meter इज इक्वल्स टू 100 centimeter। ओके, तो आपकी हाइट हो गई है 100 centimeter और वॉल्यूम है 3850। अब यू हैव टू फाइंड आउट इट्स डायमीटर, तो डायमीटर के बारे में हमें सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन पता है कि जो हमारा डायमीटर होता है वो क्या होता है 2 into radius। ओके, तो अगर हम रेडियस फाइंड आउट कर ले तो हम डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस हमारे फॉर्मूले वॉल्यूम में आती है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो देखिए आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पाई, और एच यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, लेकिन हमें सिर्फ आर चाहिए, आर स्क्वायर नहीं चाहिए, तो अगर हमें सिर्फ आर निकालना है तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे इसका स्क्वायर रूट, सो वॉल्यूम अपॉन पाई एच का हम क्या कर लेंगे स्क्वायर रूट। तो देखिए वैल्यू पुट करिए, रेडियस क्या होगी आपकी, वॉल्यूम कितनी है हमारे पास 3850 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई विथ हाइट कितनी है आपकी 100। सो देखिए ये जो 7 है हमारा ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कट। ओके, अब हमारे पास क्या बचा है 3850 डिवाइडेड बाय 22, 11 की टेबल से 11 2 11 11 3 33 33 minus 38 5 5 5 55, तो 11 5 55, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 35 into 7 डिवाइडेड बाय 2 into 0। ओके, सो देखिए आप 5 की टेबल से 5 7 35 5 2 10, तो कितना है 7 7 49 डिवाइडेड बाय 4। ओके, सो देखिए 49/4 अगर हम करते हैं तो कितना आता है 4 1 4 0 9 यहाँ पे उतरेगा, 4 2 8, सो 4 2 8, 9 minus 8 1। अब ये जो 1 है ये 4 से क्या है स्मॉल, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे डेसिमल, जैसे ही हम डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे क्या लगेगा 0, 4 2 8, सो 2 times 10 minus 8 2, पॉइंट से यहाँ पे लगेगा 0, 4 5 20, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 12.25। सो देखिए स्टूडेंट्स 12.25 किसका स्क्वायर रूट होता है, अगर हम 3.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 3.5 से, सो देखिए 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 3 15, 15 plus 3 15 plus 2 17 का
थ्री फाइव जो 15 का 5 कैरी 1, 3 3 जो 9, 9 प्लस 1 10, सो यहाँ पे आ गया आपका 5, 7 प्लस 5 12 का 2 कैरी 1, 1 प्लस 1 2 एंड 1, तो यहाँ पे देखिए आपका आ गया 1225। अगर हम 3.5 को डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद में पॉइंट, सो इसका स्क्वायर रूट कितना निकला है 3.5 सेंटीमीटर। ये तो हुई हमारी रेडियस, अब हमें फाइंड आउट करना है डायमीटर। सो डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 3.5, 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, तो 7.0 सेंटीमीटर, और वी कैन से 7 सेंटीमीटर इज आर डायमीटर। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर, तो हमें गिवन है सर्कमफ्रेंस, दैट इज आवर पैरामीटर यू कैन से, सो वो हमें गिवन है 88 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 60 सेंटीमीटर, इसकी हाइट हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो सबसे पहले देखिए हमें गिवन है सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सिलेंडर, जो आपका सर्कमफ्रेंस है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। ओके, सो 2πr हमें कितना गिवन है 88 सेंटीमीटर एंड हमें गिवन है हाइट, हाइट है h हमारे पास 60 सेंटीमीटर। ओके, सो अब हमें यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सो अब देखिए हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास रेडियस होनी चाहिए बट हमारे पास रेडियस नहीं है, तो रेडियस हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर, तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा 88, 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है आर के साथ इधर जाएगा तो डिवाइड, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 22 अपॉन 7, सो देखिए 88 अपॉन 2 मल्टीप्लाई विथ 22 अपॉन जो 7 है वो यहाँ से कहाँ चला जाएगा ऊपर। ओके, नाउ देखिए 2 11 की टेबल से 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, हाँ देखिए 4 इंटू 7, 4 7 जा 28 डिवाइडेड बाई 2, तो रेडियस कितनी आ जाएगी आपके पास 14 सेंटीमीटर। सो हमारी जो रेडियस है वो कितनी हो गई है 40 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं पाई क्या है 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई विथ रेडियस का स्क्वायर है, तो रेडियस आ गई हमारे पास 14, सो 14 इंटू 14 एच कितना है आपके पास, हाइट है हमारे पास 60। ओके, 7 वन ज़ा 7, 7 टू ज़ा 14, अब देखिए 22 इंटू 2 44, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 1 जा 6, 6 प्लस 2 8, और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका 0। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 8 40 मल्टीप्लाई विथ 44, सो देखिए 0, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 8 जा 32, 32 प्लस 1 33, अगेन क्रॉस का साइन, 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही डिजिट, तो देखिए 0 6 3 एंड 3, देखिए ऐड करिए 0 6 3 प्लस 6 9, 3 प्लस 3 6 एंड 3, तो यहाँ पे 36,960 तो आपका क्या आ गया है 36,960 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो आ गई है आपकी वॉल्यूम। अब हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया, सो देखिए लेटरल सरफेस एरिया इक्वल्स टू लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। अब देखिए हमारे पास 2 पाई आर की वैल्यू है, 2 पाई आर कितना था हमारे पास 88 सेंटीमीटर, सो देखिए यहाँ पे हमने 2 पाई आर की वैल्यू रखी है 88 इंटू हाइट कितनी थी आपके 60, सो मल्टीप्लाई विथ 60, इस जीरो को हमने यहाँ पे लिख दिया है, 6 8 जा 48 का 8 कैरी 4, 6 8 जा 48, 48 प्लस 4 कितना आएगा आपके पास 52, तो 5280 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया है हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर।